हाँ जी गाइस, आज हम अपना शुरू करते हैं बार ग्राफ से। बार ग्राफ जिसमें ये वर्टिकल हैं जो लाइंस वो होती हैं, ठीक है। इसके लिए वोकैबलरी अब हम देख लेते हैं क्या कुछ रहने वाली है। सबसे पहले तो एडवर्ब लगाना ना भूलें, जो मेन बात है। यहाँ देखिए, अब मान लीजिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट दे दिया, कंपनी ए है कोई, ठीक है। उसके पास क्या कुछ है वो देखते हैं। अब जो एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, अब जो एडवर्ब की डिग्री रहेगी कंपैरिजन में वो क्या रहती है। मान लो कोई चीज़ 50% है, तो उसको अकेला 50% एक बार हमने लिख दिया, और दोबारा कोई 30% बताना है, 30%, ठीक है, या 25% है, उनको हम कैसे लिख सकते हैं। उनके पास नियरली 1/3। अब मान लीजिए 1/3 में क्या आएगा, ये देख लीजिए। मान लो 33%, 33% हमें दिया हुआ है। 33 के हम अगर 3 बनाते हैं इनको सेपरेट्स में, तो ये रहेगा 99, यानी ऑलमोस्ट 100। तो अगर 33% दिया हुआ है, तो उसको 33% ना लिख कर हम लिख सकते हैं 1/3, तीनों में से 1, तीनों का 1, ठीक है, 1/3। तो उसके साथ नियरली वगैरह लगाना ना भूलें। मान लो अगर 34% दिया हुआ है, 35% दिया हुआ है, ठीक है, उसके पास, तो नियरली, ऑलमोस्ट, अप्रोक्सीमेटली, अबाउट, अगर ऊपर है थोड़ा सा उससे, मान लो 50 से ऊपर है थोड़ा सा, जस्ट ओवर 50, ठीक है, जस्ट ओवर 50 लगाएं। अब फ्रैक्शन देख लीजिए, 1/4। अब अगर दिया हुआ है उसमें 25%, मान लीजिए 25% दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4, 25-25 के, या तो आप 1/4 लिख लीजिए, 4th में से 1, या फिर इसको लिखिए 1/4, ठीक है, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है 1/4। अगर 50% है उसको हाफ लिख लीजिए। अगर वो है 75%, 75, तो 3/4। अगर हम इसी को देखें, अगर हम 3 को ले लें, तो ये बन जाएगा 75%, ये बन गए हमारे 3/4। और आ क्वार्टर भी लिख लीजिए, 3/4। अगर डबल है, पहले से डबल हो गए, पहले 25 थे, अब 50 हो गए, तो ट्वाइस 3/4, ट्वाइस, 3 times। अगर 3 गुना बड़े हैं, तो 3 times, 3-fold, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये देखिए, कुछ ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई बोथ हैड 40% ईच, ठीक है। सेल्स रिमेन्ड स्टेडी, अगर सेल्स है जो किसी चीज की, वो सेम रही उसी जितनी, एट 20%। सेल्स रोज, बढ़ गई, सेकंड फॉर्म लगाई गई है, पास्ट में दिया गया डाटा हो, रोज टू 40%। सेल्स पीक्ड, चोटी पर पहुंच गई, एट जस्ट अबाउट। अब ये देखिए, जस्ट अबाउट लगाना ना भूले, 80%। तो ये और एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब ये देखिए, 3 तरीके से देखिए कैसे हम बता सकते हैं लाइन को। यूनिवर्सिटी ए हैड 15% ऑफ मेल स्टूडेंट्स, 15% उसके पास मेल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये तरीका हो गया, एक 15% को पहले ले लें। 15% ऑफ द मेल स्टूडेंट्स स्टडीड या इनरोल्ड हुए यूनिवर्सिटी ए में, ठीक है। अब 2 तरीके हो गए। अब तीसरा क्या रहेगा, अकाउंटेड वाला। यूनिवर्सिटी ए अकाउंटेड फॉर 15% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स का, 15% इसने लिया, ठीक है। तो और कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, ये भी आप दे सकते हैं। तो 3 तरीके से हमने देख लिया इसको कैसे बनाना है। अब नेक्स्ट चीज देखिए, कुछ एग्जांपल्स देखिए। ये थोड़ा लाइट निकला है इसका प्रिंट आउट। परसेंटेज, मान लो 10% इंक्रीज हुआ है, 25% डिक्रीज, एग्जाम्पल्स हैं ये सिर्फ। इंक्रीज्ड बाय
15%। अगर अपने बाय लगाना है तो पास्ट में बताना पड़ेगा इंक्रीज्ड बाय 15%, इंक्रीज बाय 15% नहीं, ड्रॉप्ड, गिर गया है 10% तो ड्रॉप्ड बाय 10%, फॉल एट 50% पे आ गया, फॉल एट 50%, 75%, डबल्ड हो गया, 1/4 वही क्वार्टर हो गया, 3/4 75%, हाफ में 50%, डबल फोल्ड मतलब कोई डबल हो जाना 2 times, ट्रेबल 5 times हाइयर 5 गुना, 3 गुना डिक्लाइन, स्टूड एग्जैक्टली एट 43%। अगर वो 43% पे रुक गया तो उसको लिखिए स्टूड सेटल 43%। अब फ्रैक्शंस के लिए देख लीजिए, अगर किसी की मतलब 4% दी हुआ, मान लो सेल ऑफ कंपनी ए वाज 4%, तो 4% को क्या लिख सकते हैं, अ टीनी फ्रैक्शन या वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन। 24% देखिए, अब ये होना चाहिए हमारा क्वार्टर है ना, अब क्वार्टर से थोड़ा सा कम है 1%, तो हम लिख देंगे ऑलमोस्ट अ क्वार्टर। 25% है पूरा, तो एग्जैक्टली अ क्वार्टर, तो ये एल वाई वाले वर्ड लगाना बिल्कुल ना भूलें। 26% है रफली 1/4 या जस्ट अबव 1/4। 32% है नियरली 1/3 या नियरली अ थर्ड। 49% है अराउंड अ हाफ, जस्ट अंडर अ हाफ। 50% एग्जैक्टली अ हाफ। 51% जस्ट ओवर अ हाफ। तो मतलब इनके बैंड स्कोर भी हैं भाई, सीधा डाटा नहीं बताना, नियरली, अराउंड, एग्जैक्टली, जस्ट ओवर, जस्ट बिलो। अब 73% है नियरली 3/4 आ गए इसमें, 75% की जगह उन्होंने यहाँ पर नियरली 3/4 कर दिया। 77% अप्रोक्सीमेटली 3/4 या फिर मोर देन 3/4। 79% वेल ओवर 3/4 यानी अच्छा खासा ऊपर है 3/4 से, 75% से वेल ओवर, ठीक है। ये भी हमारे पास लाइट प्रिंट आउट है, ठीक है, वर्ड्स फ्रेजेस ऑफ अप्रोक्सीमेशन वोकैबुलरी, यानी अप्रोक्सीमेटली, नियरली, रफली, ऑलमोस्ट, अबाउट, अराउंड, मोर और लेस, जस्ट ओवर, जस्ट अंडर, जस्ट अराउंड, जस्ट अबाउट, जस्ट बिलो, अ लिटिल मोर देन, अ लिटिल लेस देन, ठीक है। और देखिए प्रोपोर्शंस के लिए, अगर 2% दिया हुआ है कहीं हमारे, मान लीजिए अटीनी पोर्शन, थोड़ा सा बिल्कुल, या अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन, बहुत छोटी परसेंटेज, 4% में एन इनसिग्निफिकेंट माइनॉरिटी, इनसिग्निफिकेंट होता है ज़्यादा, इनसिग्निफिकेंट मतलब कम, महत्वपूर्ण ना हो जो, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, इनसिग्निफिकेंट मतलब कि कम महत्वपूर्ण, यानी ओनली 4% एन इनसिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन। 16% को कैसे लिखा है, स्मॉल माइनॉरिटी या स्मॉल पोर्शन। 70% को लार्ज प्रोपोर्शन, 72 को कैसे लिख सकते हैं, सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी, ज़्यादा में हो जो, सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन। 89% को इन्होंने दिया है अ वेरी लार्ज पोर्शन या प्रोपोर्शन, और 89% को अ वेरी लार्ज प्रोपोर्शन वही हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमने इसमें लगाने हैं। अब एक एग्जांपल देख लीजिए बार ग्राफ का, द चार्ट्स बिलो शो द परसेंटेज ऑफ फैटल एक्सीडेंट्स बाय लोकेशंस, खतरनाक एक्सीडेंट हुए उनके, लोकेशन बताई हुई है उनकी, इन अ यूरोपियन कंट्री, द सर्वे वाज कंडक्टेड इन 2000, 2000 की बात है, पास्ट में चलेगा भाई, बताना क्या है, समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स, मेन फीचर्स बताएं एंड मेक कंपैरिजन बताएं, कंपैरिजन करें वेयर रेलिवेंट, जहां रेलिवेंट हो। तो देखिए यहां पर परसेंटेज है जो, परसेंटेज ऑफ फैटल क्रैशेस बाय लोकेशन के हिसाब से, लोकेशन है रूरल और अर्बन, जो ये लोकेशंस रहेंगी ये रूरल एरियाज की हैं, जो ब्लैक वाली हैं ये अर्बन एरियाज की हैं। सबसे पहले आपको थोड़ी देर इसको समझना पड़ेगा,
2 मिनट लीजिए, 2 मिनट्स लीजिए कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। इंट्रो देखिए, सबसे पहले द गिवन बार चार्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द रूरल एंड अर्बन परसेंटेज ऑफ फैटल एक्सीडेंट इन यूरोपियन कंट्री इन ईयर 2000। ठीक है, बीपी वन देखिए, द चार्ट शोड दैट इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में विद हायर स्पीड लिमिट्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइफ टेकिंग क्रैशेज वॉज वेरी हाई। अब इन्होंने बताया सबसे पहले रूरल एरियाज में हायर स्पीड लिमिट में, ये देखिए ये रही 60 mph की हायर स्पीड, जहाँ तेजी से चला रहे हैं वो अपने व्हीकल्स, वहाँ इंटेंसिटी है मतलब कि संख्या है जो लाइफ टेकिंग क्रैशेज की वो बहुत ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ एक्सीडेंट ने सबसे ज़्यादा जान ली है या एक्सीडेंट ज़्यादा हुए हैं। स्पीड लिमिट ऑफ 30 की है जहाँ और लेस कॉज्ड अराउंड 24% फैटल एक्सीडेंट की है। अब देखिए इन्होंने लगाया है यहाँ अराउंड 24% फैटल एक्सीडेंट्स हुए हैं, विच वॉज द लीस्ट, जो सबसे कम है। ये देखिए रूरल एरियाज में सबसे कम हुए हैं ये एक्सीडेंट 30 किलोमीटर पे, 30 mph की स्पीड पर। अब आगे देखें, फॉलोड बाय, अगले पर बताना हो तो फॉलोड बाय लिख सकते हैं, फॉलोड बाय 35 और 40 mph लिमिट वेयर द मोर्टेलिटी कॉज्ड वॉज, यानी मृत्यु दर संख्या, मोर्टेलिटी कॉज्ड वॉज अराउंड 31%, अबाउट 31% दिया है, जस्ट अबाउट 30% भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर है 30 से। इन केस ऑफ 45 और 50 पे आ गए, ये दो हमारे क्लियर हो चुके हैं रूरल एरियाज के। ठीक है, अब 45 टू 50 mph पे देखते हैं, द परसेंटेज ऑफ डेथ कॉजिंग एक्सीडेंट वॉज नियरली 50%, नियरली 50%। देखिए यहाँ पर अलग इन्होंने इसकी एडवर्ब लगाई है। हाउएवर, अब देखिए ये बड़े हैं, देखो एकदम से इसमें देखो, पहले थोड़े थोड़े से फिर ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो हाउएवर लगा के, जबकि इट सोल्ड बढ़ना टू 81% व्हेन द स्पीड लिमिट वाज 55, जब 55 की स्पीड थी तो ये बढ़ गए अराउंड, कहाँ पर पहुँच गए हैं 81% पे। और सरप्राइजिंगली, अब इन चीज़ इन वर्ड्स की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, बट सरप्राइजिंगली हैरानी वाली बात क्या है, 60 mph या फिर इससे ज़्यादा तेज चलाने पर फैटल क्रैश प्रोपोर्शन वॉज लेसर एंड एट नियरली 70%। अब 55 की स्पीड पे तो ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं भाई देखो, और जबकि 60 पे उससे कम हुए हैं, यानी अराउंड 70% नियरली। तो अगर हम अब अर्बन एरिया की बात करें, एक और बात ध्यान देने वाली है, जो ब्लैक वाली है ये अर्बन एरियाज हैं, तो अर्बन एरियाज में जो एक्सीडेंट्स हुए हैं वो इनके उल्टे चल रहे हैं। देखिए रूरल में जहाँ कम थे वहाँ इनके ज़्यादा थे, जहाँ अर्बन में रूरल में ज़्यादा हुए वहाँ अर्बन में कम है। तो देखिए अब ध्यान से, द सीन इन अर्बन एरिया इज ऑलमोस्ट द अपोजिट कोमा एट 30 mph और लेस स्पीड में डेथ कॉजिंग एक्सीडेंट्स स्टूड एट 75%, यानी धीमी स्पीड पे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं अर्बन एरियाज में। ये देखिए जो एक्सीडेंट है वो 75% पे स्टूड कर रहे हैं। ठीक है, वेयर एज, जबकि 75% कोमा, वेयर एज एट 35 to 40 mph इट वॉज 68, जबकि उसकी ज़्यादा स्पीड हुई तो ये 68% है। ठीक है, या जस्ट बिलो 70% लिख सकते हो। और देखिए नेक्स्ट की बात, इन केस ऑफ इतनी स्पीड पे इट वॉज एट 52%, 45 वाले पे ये है 52%, और इट श्रंक, गिर गए टू 18%, 55 mph पे 18% पे आ गए हैं बिल्कुल। ये देखिए,
और देन इट इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 28, थोड़ा सा बढ़ गया, 28 पे चला गया। ठीक है, तो अब कंक्लूजन पे चलते हैं। हमने बता दिया सारे क्लियर हो चुके हैं, रूरल के भी अर्बन के भी। अब हम बढ़ते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। बार चार्ट रिवील्स बताता है दैट चांसेस ऑफ मोर्टैलिटी वर हायर एट हाई स्पीड इन कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब विलेजेस में, रूरल एरियाज में हाई स्पीड पे चलाए गए जब व्हीकल, ये देखिए, जब हाई स्पीड में व्हीकल चलाए गए तो एक्सीडेंट्स की या मृत्यु दर संख्या ज्यादा है। ठीक है, जबकि कॉन्ट्रेरी विपरीत क्या है, सिटी एरियाज में वेयर मोर चांसेस ऑफ कैजुअलिटी, दुर्घटना के ज्यादा चांसेस वर नोटेड, कहां नोट किए गए, एट लेसर स्पीड्स, कम स्पीड में, जहां स्पीड कम रही वहां एक्सीडेंट शहरों में ज्यादा हुए। ठीक है, तो हमने ऐसे इसको डिस्क्राइब करना है।